नमस्ते बच्चों कैसे हो आज हम स्टार्ट करेंगे 7.1 एक्सरसाइज जो कोऑर्डिनेट जोमेट्री है उसके बचे हुए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर नाइन और क्वेश्चन नंबर टेन आज हम क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर नाइन और क्वेश्चन नंबर टेन करेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर एट क्या है देखिए ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन नंबर एट हमारा क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर एट

तो ये क्या है मेरे पास x1, ये क्या है मेरे पास y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। तो फॉर्मूला आपको पता है डिस्टेंस PQ है ना PQ का डिस्टेंस तो देखो ध्यान से PQ, PQ क्या होगा बेटे एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और इसका डिस्टेंस किसके बराबर होगा इज इक्वल टू पी के बराबर देखिए पी क्यू x2 एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन का होलिकल टू पी क्यू अब वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स वन की वैल्यू एक्स टू की वैल्यू वाई टू की वैल्यू वन की वैल्यू रूट में एक्स वन कितना है मेरे पास टेन माइनस टू ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर प्लस वाई टू कितना है बेटे मेरे पास 10, y वाई माइनस वाई अब देखिए बेटे वाई माइनस माइनस थ्री देखिए दिखे ध्यान से y माइनस माइनस थ्री तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा देखो y फिर फार्मूला वाला माइनस ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों माइनस क्या हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस प्लस ये मेरे पास क्या हो जाएगा थ्री का होल स्क्वायर और ये कितना है पी क्यू कितना है टेन टेन माइनस टू एट एट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस का होल वाई प्लस का होल स्क्वायर और इसका रूट

प्लस बी का होल वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी टू एक्वायर प्लस टू ए बी तो ए स्क्वायर मीन वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए इंटू में बी इज टू टेन का स्क्वायर कितना होगा हंड्रेड हो जाएगा तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ये क्या है 64 64 प्लस ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में 9 और 3 टू 6 प्लस में क्या वाई सिक्सटी फोर प्लस नाइन ये क्या आएगा 73 ये प्लस का है और इधर जाए किसका हो जाएगा ये माइनस का माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो क्या क्वेश्चन बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस में 6y वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो अब इसके क्या बनाएंगे फैक्टर बनाएंगे क्या बनाएंगे इसके फैक्टर फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे वन को किससे मल्टीप्लाई 27 से तो मल्टीप्लाई 27 और माइनस करने पर वन माइनस करने पर वन आना चाहिए माइनस करने पर सिक्स सॉरी माइनस करने पर सिक्स आना चाहिए क्या आना चाहिए सिक्स तो फैक्टर क्या बनेंगे नाइन और थ्री क्या बनेंगे नाइन और थ्री सिक्स प्लस का आना चाहिए तो इसका नाइन प्लस का और थ्री माइनस का नाइन को थ्री से मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी सेवन माइनस करेंगे तो सिक्स आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में नाइन वाई माइनस में थ्री माइनस में थ्री वाई माइनस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू जीरो इन दोनों में कॉमन इन दोनों में कॉमन इन दोनों में कॉमन वाई कॉमन आ गया बचा क्या वाई प्लस नाइन माइनस थ्री वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरो तो क्या आ गया वाई माइनस थ्री और क्या आ गया वाई प्लस नाइन इज इक्वल टू जीरोक्वल टू थ्री और वाई इज इक्वल टू माइनस नाइन दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई इज इज थ्री और माइनस नाइन जब डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या होगा थ्री होगा एंड नाउ चेक योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन चेक इट एंड इट डाउन फास्ट क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन इज वट इज दिस क्यू इफ क्यू व्हाट इज गिवन इफ क्यू इज इक्वल टू क्यू क्या हमारे पास देखिये क्यू इज क्यू क्या बेटे जीरो कॉमा वन इज इक्वी डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस मीन इक्वल डिस्टेंस हेयर इज पी और हेयर इज आर इट मीन p इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री और r इज इक्वल टू एक्स कॉमा सिक्स दिस इज p एंड दिस इज r तो व्हाट शुड वी नो नाउ इसमें क्या देखा है कि q जो है p से और r से बराबर दूरी पर है q जो है p से और r से बराबर दूरी पर है तो इसका मतलब किसकी क्या है हमारे पास हमारे पास p और q की और r की वैल्यू दे रखी है तो इट मीन क्यू इज इक्वी डिस्टेंस इसका अंदर ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम है मीन कौन सा डिस्टेंस क्यू पी इक्वल टू क्यू आर ये दोनों डिस्टेंस क्या है सेम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स तो व्हाट इज क्यू हमें निकालना है क्यू क्यू हमारे पास क्या है ये येरा पी ये रहा तो इट मीन क्यू पी हमें निकालना है क्यू पी और क्यू आर एंड नाउ हम इसके कोऑर्डिनेट रख देंगे क्यू के कोऑर्डिनेट

दिस इज एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू पहले में से पहला माइनस बट आपने क्वेश्चन क्या करा बेटे बैठे इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू क्यू आर क्यूपी हेर इज क्यू हेर इज पी तो एक्स टू माइनस एक्स वन फाइव माइनस जीरो क्या करेंगे इसमें फाइव माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y2 टू माइनस वाई वन वाई टू कितना है माइनस थ्री माइनस वाई वन माइनस वन का होल स्क्वायर और इसका रूट इज इक्वल टू क्यू आर क्यू आर ये क्या है मेरे पास क्यू आर मीन्स एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स माइनस जीरो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर फिर प्लस सिक्स माइनस वन सिक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और इसका रूट फार्मूला कौन सा लगाया हमने डिस्टेंस फार्मूला अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें तो क्या आएगा 5 माइनस जीरो 5 फाइव का स्क्वायर प्लस में माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर का स्क्वायर और इसका होल रूट ये आ गया इज इक्वल टू रूट में ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस जीरो एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस फाइव सिक्स माइनस का स्क्वायर तो वट इज योर आंसर फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव प्लस माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और ये रूट में इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी डू नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 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 तो क्या आएगा मेरे पास स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा ट्वेंटी फाइव

और वो कितना है मेरे पास ये रहा। किसके बराबर है रूट ट्वेंटी फाइव प्लस इज इक्वल टू रूट फोर्टी वन ये क्यू आर की वैल्यू आ गई बिकॉज क्यू आर इज इक्वल कितना है 41. फिर निकालना पी आर दिस इज पी एंड दिस इज आर तो पी आर पी वर दी फाइव माइनस थ्री कोऑर्डिनेट ऑफ आर एक्स कोमा सिक्स ये पी के कोऑर्डिनेट है ये आर के कोऑर्डिनेट है तो इन दोनों से हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे पी आर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्स वाई वन का होल स्क्स एक्स टू और ये वाई टू एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर फिर प्लस सिक्स सिक्स माइनस माइनस प्लस सिक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर पी आर इज इक्वल टू रूट में एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस नाइन का होल स्क्वायर इज़ एट्टी वन अब इसमें एक बारी एक्स की वैल्यू फोर रख, रख देंगे क्या करेंगे एक बारी फोर रख देंगे एक बारी माइनस फोर रख देंगे फर्स्ट पुट पी आर इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू पुट एक्स इज इक्वल टू फोर रखेंगे तो क्या आएगा बेटा देखो ध्यान से फोर रख दिया फोर माइनस वन फोर माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस एटी वन इज इक्वल टू फोर माइनस फाइव माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर वन वन प्लस एट्टी वन रूट एटी वन तो पी आर मेरे पास क्या आ गया एक तो रूट एटी वन आ गया कब जब एक्स क्या होगा फोर होगा एक्स क्या हो जाएगा फोर तो पी आर की वैल्यू रूट एटी वन इज इट क्लियर एंड नाउ पी आर की वैल्यू पी आर की वैल्यू एटी वन रूट में कब जब एक्स की वैल्यू क्या लेंगे माइनस एक्स क्यूल्यू क्या लेंगे फोर अब एक्स्यू वैल्यू क्या लेंगे माइनस फोर चेक करिए नाउ वी है टू पुट एक्स माइनस फोर नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू अब सेकेंड पार्ट में देखिए पुट एक्स क्या रख दिया माइनस फोर रख दिया कहाँ रखेंगे इसमें रखेंगे तो पी आर यहां रखेंगे बेटे एक्स वैल्यू माइनस फोर पी आर इज इक्वल टू रूट में एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस में नाइन का स्क्वायर एट्टी वन एक्स की जगह माइनस फोर एक्स की जगह माइनस फोर तो क्या आएगा रूट में माइनस फोर माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस में एट्टी वन माइनस फोर माइनस फाइव एट्टी एट्टी वन का होल रूट 81 वन क्या वन क्या बेटे अब इसके फैक्टर बनाएंगे बेटे ये आएगा 162, और 162 को फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा नाइन रूट टू आ जाएगा बेटे यूनिट अभी एक आया कैसे देखो वन टू फैक्टर बनाइए टू एट्टी वन फिर नाइन 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 वन नाइन रूट टू दिस इज

ए एंड बी कोऑर्डिनेट ए एंड बी आर ए एंड होंगे थ्री कॉमा सिक्स और माइनस थ्री कॉमा फोर ये कोऑर्डिनेट ले ये A के कोऑर्डिनेट हो गए और ये बी के कोऑर्डिनेट हो गए क्वेश्चन क्या करे देखो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है जबकि पी जो कोऑर्डिनेट है पी एक्स कॉमा वाई ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या इक्वी डिस्टेंस किस से ए से और इक्वी डिस्टेंस किस से बी से मीनस थ्री कॉमा सिक्स वे सेम क्वेश्चन और ये माइनस थ्री कॉमा फोर पी से एक की दूरी पी से बी की दूरी दोनों दूरी आपस में बराबर है पी से एक की दूरी पी से बी की दूरी दोनों दूरी आपस में इक्वल है तो इसका मतलब डिस्टेंस तो इट मीन पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा सिक्स ए के कोऑर्डिनेट थ्री कॉमा सिक्स पी ए इक्वल टू पीबी हमारे को क्या दे रखा है पी ए इक्वल टू पीबी गिवन है तो पी के कोऑर्डिनेट लिख दिए ए के कोऑर्डिनेट लिख दिए फिर अगेन पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई और बी के कोऑर्डिनेट बोलो माइनस थ्री कॉमा फोर तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी बी रीजन हमें ये गिवन है पी ए इक्वल टू पी बी इट इज गिवन टू अस अब क्या करेंगे इसमें यहां पर मेरे पास एक्स वन आ जाएगा ये मेरे पास y1 हो जाएगा ये मेरे पास x2 हो जाएगा ये मेरे पास y2 हो जाएगा ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2. तो यहां से क्या निकालूंगा पी ए फॉर्मूला आपको पता है पी ए बाई डिस्टेंस फार्मूला पी ए एंड पी बी पी ए एंड पी बी सॉल्व बाई डिस्टेंस सॉल्व फाइंड बाय डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला तो बोलो बेटे क्या आएगा पी ए थ्री माइनस एक्स थ्री माइनस एक्स का होल स्क्सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई टू वाई टू मीन फोर माइनस वाई का होल स्क्वायर और इन पूरे का रूट हो जाएगा अब इसको सॉल्व कर देंगे थ्री माइनस एक्स ऐसे कैसे रहेगा तो थ्री माइनस एक्स सेम का होल 6 माइनस सिक्स जीरो रूट आ जाएगा is equal to, और यहां पर क्या बचेगा? दोनों माइनस के हैं हैं? किसके है? तो माइनस थ्री और माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्या ले लेंगे कॉमन माइनस कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा थ्री प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है प्लस होता है तो आंसर क्या आ जाएगा थ्री प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो जब दो, दोनों माइनस हो तो हम क्या लिखते हैं थ्री प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इट क्लियर दिस इज पी एक्स कोमा वाई ये बेटे वाई है दिस इज वाई थ्री माइनस एक्स सिक्स माइनस वाई सिक्स माइनस वाई हेर इज प्लस सिक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और इसका रूट अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा तो व्हाट इज लेफ्ट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो व्हाट इज अवर आंसर देखो ध्यान से स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा देखो ये रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचेगा 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये क्या फोर माइनस का होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस का होल स्क्वायर अब इसमें लगा देंगे ए माइनस का होल स्क्वायर a माइनस बी मीन a स्क्वायर a स्क्वायर मीन थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस बी स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस टू ए बी टू ए एक्स और b, टू a थ्री और b x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए फिर प्लस a स्क्वायर व्हाट इज ए थर्टी सिक्स सिक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y स्क्वायर माइनस टू ए की जगह सिक्स और बी की जगह वाई

एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट क्या बचा नाइन बचा और थर्टी सिक्स नाइन और थर्टी सिक्स फोर्टी फाइव थ्री टू जा सिक्स माइनस सिक्स एक्स और माइनस ट्वेल्व वाई इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा नाइन और ये क्या बचा सिक्सटीन दैट इज ट्वेंटी फाइव प्लस और क्या बचा थ्री टू जा सिक्स एक्स और माइनस फोर टू जा एट वाई एक्स और वाई वाले इधर आ जाएंगे देखो माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व का है इधर जाके माइनस का माइनस सिक्स एक्स ये माइनस का है इधर जाके प्लस जाएगा प्लस एट एक्स एट वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव और ये प्लस का है इधर जाके माइनस ट्वेंट फोर्टी फाइव एंड नाउ

माइनस फोर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी अपॉन में माइनस फोर ये दोनों कट ये क्या फाइव आ गया तो थ्री एक्स प्लस इज थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव दिस इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेन दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू एंड नाउ दिस एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन इज कंप्लीट एंड प्लीज यू एंड आप इसे रिवाइज़ करना और 6.7.1 के क्वेश्चन एक से लेकर दस तक सारे हो गए अगली जो एक्सरसाइज करेंगे वो 7.2 करेंगे और अगली वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो कर ही देना थैंक्स फॉर सब्स थैंक्स कह रहा हूँ बेटे प्लीज प्लीक्स व्यू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल थैंक्स फॉर टुडे